हाय गाइस, शशांक बैक अगेन। आई एम सो सॉरी, कल आपको वीडियो नहीं गया था और मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो से मेकअप कर लें हम लोग, राइट? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग है और बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में। आई डोंट नो आप गेस कर पाओगे या नहीं, बट मैं बता देता हूँ जल्दी ताकि आप ज़्यादा गेस करने के कन्फ्यूजन में ना रहें। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी वेबसाइट को पेनल्टी लग गई है तो आप कैसे पता करेंगे उस डोमेन को ख़रीदने से पहले कि साइट फ्रेश है या फिर वो पेनलाइज्ड है। ये मुझे सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। रिसेंटली एक हमारे ही ग्रुप में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी पूछा था कि आई एम ट्राइंग टू बाई अ डोमेन, ही इज़ एक्चुअली अ डोमेनर, और नाम बताना चाहूँगा, रोहित सर। रोहित सर ने एक्चुअली पूछा था हमसे कि आई एम अ डोमेनर और मैं डोमेन्स खरीदता हूँ और बेचता हूँ क्लाइंट्स को, और मैं कैसे कंफर्म करूँगा मेरा क्लाइंट कह रहा है कि मेरी डोमेन पेनलाइज्ड है जो मैं उसको सेल कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत ही कम लोगों को अभी तक क्लियर है। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हाउ आई पर्सनली डिफाइन कि ये डोमेन ठीक है या नहीं है। नंबर वन थिंग, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप किसी भी डोमेन की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो डोमेन पेनलाइज है या नहीं है, अनलेस आपने उसका गूगल वेब मास्टर अकाउंट चेक किया हो और उसमें चेक किया हो कि कोई भी पेनल्टी नहीं है। आप शायद मेरी बात दोबारा सुनना चाहेंगे, आप नहीं बता सकते हैं, सिर्फ गूगल बता सकता है कि किसी वेबसाइट को पेनल्टी लगी है या नहीं लगी है। आप उसके पैटर्न्स चेक कर सकते हो कि पहले कैसा था, अभी कैसा है, वो भी तब जब वो डोमेन एक्टिव है। अगर वो डोमेन सपोज ओनर ने छोड़ दिया है, इट्स जस्ट अवेलेबल फॉर एनी वन टू बाय, तो उस केस में आप तब तक कन्फर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस डोमेन को खुद से बाय करें, उस पर गूगल वेब मास्टर अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करें। कम से कम एक महीना वेट करेंगे आप अपने आप ही, तब आपको कुछ डेटा आना शुरू होगा जब आप कुछ एक दो पाँच आर्टिकल्स डालेंगे उस पर। उसके बाद जाकर आपको वेब मास्टर में चेक होगा कि उस पर्टिकुलर डोमेन पे कोई पेनल्टी है या नहीं है, प्लस उसका इंडेक्स स्टेटस भी बताता है कहीं ना कहीं कि पेनल्टी है या नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, पेनल्टी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पूरी डोमेन ही हमेशा पेनलाइज होगी और कंप्लीट साइट डी इंडेक्स होगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्टिकुलर पेजेस में प्रॉब्लम होती है, तो गूगल सिर्फ उन पेजेस को भी पेनलाइज करता है क्योंकि गूगल का एक अपडेट नहीं है, गूगल ने मल्टीपल अपडेट्स लॉन्च किए, राइट? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जब चेक कर रहे हैं किसी डोमेन को या वेबसाइट को, तो उसकी जो पेनल्टी है वो पेनल्टी की गारंटी नहीं होगी, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा वेब मास्टर में उस डोमेन को डाल के। अगर आपके पास उस डोमेन का एक्सेस नहीं है या आप उस डोमेन को नहीं बाय कर सकते हैं और तब आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो पेनलाइज है कि नहीं है, तो ट्रस्ट मी, आप कोई भी ऑनलाइन टूल ऑफलाइन टूल यूज़ कर लीजिए, वो 100% गारंटी नहीं देता है कि वो डोमेन पेनलाइज है या नहीं है। आप एक बार उसकी पुरानी वे बैक हिस्ट्री जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उस हिस्ट्री से आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि पहले कैसी चल रही थी, उसके बाद क्या हुई, कब बंद हुई है, और प्लस उसकी स्क्रीनशॉट से भी आपको आइडिया मिलेगा कि वो पहले साइट कैसी थी। अगर वो आपको स्पैमी सी लग रही है, अगर आपने उसकी डोमेन की मेट्रिक्स चेक करी हैं और आपको लग रहा है कि बहुत सारे ख़राब एंकर्स बने हैं, ख़राब लिंक्स बने हैं, तो पहले ही उस डोमेन को आप अवॉइड करिए। बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सब कुछ साफ सही लिख रहा है, आपको वहाँ पर दिख रहा है सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी आप नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं फिर भी उन सारी चीज़ों से कि ये डोमेन किस तरह की है, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, बिना परचेज़ किए आप इसको नहीं कर पाएंगे। आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा, वेब मास्टर पर डालना पड़ेगा, तीन चार पाँच आर्टिकल डालने पड़ेंगे, एक महीना एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वेब मास्टर पर डेटा उठ के आने लगेगा गूगल की तरफ से, तब आपको वहाँ पर चेक होगा मैनुअल पेनल्टी सेक्शन में, और इसके अलावा जो भी एरर सेक्शन होते हैं आप उसमें देख सकते हो, आपको तब पता चलेगा कि आपकी डोमेन पे क्या प्रॉब्लम है। तो व्हेन योर क्लाइंट आस्क और वो आपको बोले कि ये पर्टिकुलर टूल से मैंने चेक किया है और डोमेन तो पेनलाइज्ड है, राइट, स्पेशली फॉर द डोमेनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर वो इस तरह से डोमेन सेल कर रहे हैं और आपके कस्टमर्स आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो आप उनको मुंह खोलकर बोलिए कि सर देर इज़ नो टूल विच कैन गारंटी यू एक्सेप्ट गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल पे आप एक्सेस करके देख लो, एक महीने में आपको पता चल जाएगा इफ द डोमेन इज़ वर्किंग और नॉट, नहीं होगी तो गिव देम अ रिफंड, दैट्स प्रिटी ईजी। क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं अगर आप उनको रखना चाहे तो, और क्लाइंट खुद रहना चाहे तो, राइट? सो बेटर इज़ कि अगर आप काम कर रहे हैं डोमेन्स को लेकर तो आपको इस तरह से ही काम करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो दैट्स फॉर टुडे, और कल एक दोबारा नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
गुड बाय।